दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम क्या आज जीतेगी या क्या आज हारेगी, अगर ये आपको मैच से पहले ही पता चल जाए बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ तो आप कहोगे ना कि अपुनी है भगवान। तो यार दोस्तों ये एक्यूरेसी आज आपको मिल जाएगी फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो लिंक आपको नीचे है। अब इंस्टाग्राम आईडी जो है यहाँ पर आरसीबी के बच्चों ने उड़वा दी थी, तो यार क्योंकि आरसीबी की एक वीडियो के ऊपर 2 मिलियन व्यूज़ हमारे आ गए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिपोर्टिंग वगैरह हो गई थी क्योंकि उसके अंदर आरसीबी का मजाक था। खैर उस सबको छोड़ के इंस्टाग्राम की नई आईडी आ गई तो उसको भी फटाफट से फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं टीम केकेआर के प्लेऑफ्स की कैलकुलेशन की। तो अब टीम केकेआर के 2 मुकाबले बचे हैं, ये आप जानते हो, जिसमें अगर दोनों मुकाबले टीम केकेआर जीती है तो 14 पॉइंट्स यानी 14 पॉइंट तक जा पाएगी। तो आप सपोज करके चलो कि दोनों ही मुकाबले टीम केकेआर को जीतने ही पड़ेंगे। अगर टीम केकेआर दोनों ही मुकाबले जीतती है तो आज जो मुकाबला उनका चेन्नई के साथ है उसका विन सिनेरियो मैं आपको बता देता हूं। अगर टीम केकेआर की पहले यहां पर बैटिंग आ जाती है तो चेन्नई को उनको 50 रन या फिर उससे ज्यादा के मार्जिन से हराना होगा। जब उनकी नेट रन रेट थोड़ी सुधरेगी 50 रन के मार्जिन से हरा दो। और अगर टीम केकेआर टारगेट चेस करने पे जाती है यानी उनकी बैटिंग सेकंड आती है तो जो भी टारगेट हो चाहे वो 10 रन हो, 200 रन हो, चाहे 300 रन हो, उनको 16.3 ओवर से पहले पहले उसको चेस करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी जो नेट रन रेट है उसमें काफी इजाफा और काफी सुधार होगा। बट दोनों ही केस के अंदर टीम केकेआर आसपास जीते बट जीत जरूर जाए, नेट रन रेट भले लास्ट मुकाबले में वो सुधार सकता है। सो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लगता है टीम केकेआर आज एक जीत दर्ज करा पाएगा और क्या वो बड़ी जीत होगी क्या फिर क्लोज विन होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।